के कहर के बीच जहां पूरा देश लॉकडाउन है, वहीं गरीब लोगों के लिए भूखे मरने की स्थिति आ गई है। ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो एक पहल के द्वारा उन लोगों को भोजन या राशन मुहैया करा रही हैं। ये तस्वीरें गया जिले की हैं, जहां एक पहल शुरू की गई। गया के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले के लोगों की तरफ से जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया, जिसमें समाज सेवी मोहम्मद फैजी भाई ने कहा कि इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खासकर मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर चुन्नू खान काफी सक्रिय हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशन वितरण का जो कार्य किया जा रहा है, वह घर घर जरूरतमंदों और गरीब लोगों को वितरित किया जा रहा है। आगे यह भी कहा गया कि हमारी इस छोटी सी कोशिश को भगवान और अल्लाह कबूल करे और उस कोरोना वायरस से जल्द निजात दिलाए। पंचायती अखाड़ा के नौजवानों ने एक छोटी सी पहल की है और पहल के रूप में ये राशन वितरण का काम कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को इसको बांटने का काम किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखाने का काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैकिंग किया जा रहा है। चावल है, दाल है, आटा है, गेहूँ है, सारे चीज़ों को इन लोग पूरा पैकिंग कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों को जा जाकर घर घर देने का काम कर रहे हैं। गया शहर के कुछ लोगों से बात करते हैं, ये लोग राशन का व्यवस्था किए हुए हैं, गरीब लोगों को देने का ये काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि राशन देने का उद्देश्य क्या है। ये जो अभी आपदा आज आया है पूरे देश में, तो ये लोग छोटा सा पहल ये कर रहे हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे और जो दिहाड़ी मजदूर पे, मजदूरी पे जो काम करते हैं और जो डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, उन लोगों तक ये राशन हम लोग पहुँचाएँ। हमारे इसमें हम लोग पूरे मोहल्ला के नौजवान और हमारे वार्ड काउंसलर चुन्नू खान साहब इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से और पूरे मोहल्ला के नौजवान के सपोर्ट से ये काम है। हम लोग अभी एक छोटा सा पहल किए हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये जो आपदा आ चुका है, इसको जल्द से जल्द अल्लाह इससे निजात दिला दे और इससे हम लोगों को छुटकारा दिला दे। तो क्या ये कंटिन्यू इसमें रहेगा जब तक लॉकडाउन सरकार के द्वारा जो की गई है, तो क्या ये कंटिन्यू किया जाएगा गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये पहुंचाने का काम? कोशिश यही है कि हम लोग जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी गरीब तबके के लोग हैं, उन लोग तक ये राशन हम लोग पहुँचाने का काम करें। तो ये राशन घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि बना बना कर देने का काम कर रहे हैं? ये दोनों तरह का चल रहा है, बनकर भी जा रहा है पैकेट में और रॉ मटेरियल भी हम लोग बांट रहे हैं। ये थे गया शहर के नौजवान साथी जो इस आपदा के मौके पर गरीबों को मदद करने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस शहर के सम्मानित लोग जो इससे इस कार्य में जुड़े हुए हैं, वो लोग घर घर जाकर इस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। गया से फैज़ अहमद, रिपोर्टर्स पे न्यूज़ के लिए। समाज सेवा करने में काफ़ी